सब्जी उबाल के। ये मेरा खाना मांगने आई है। ये हम कहेंगे देसी नुस्खा, जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने यहाँ से यहाँ तक मैं कैसे पहुंची, मैंने क्या खाया, कौन सी डाइट ली। सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो रहेगी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के ऊपर, जो मैंने 4 मंथ्स में 20 kg रिड्यूस किया था और मेरा जो दिन जाते थे वो एक दिन में आज पूरा रहने वाली हूँ। और आपको बताने वाली हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक मैं कैसे पहुंची, मैंने क्या खाया, कौन सी डाइट ली थी। तो ये रहेगी पूरी फैट लॉस, फुल डे ऑफ ईटिंग फैट लॉस डाइट। और एक और चीज, अगर आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपको अपना माइंड स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी अपना माइंड स्ट्रांग रखा था तभी मैं, और मैंने ठान लिया था कि मेरे को वेट कम करना है तो करना है, एक चीज ठान ली तो ठान ली। और इसलिए मेरे 4 मंथ्स में मेरी जो जर्नी है वो अचीव हो पाई थी। शॉर्टकट में भी दिखा सकती थी कि ये डाइट, ये इतने बजे लो, इतने बजे लो, लेकिन मैंने सोचा मैं पूरा व्लॉग चलाऊं पूरा दिन और आपको भी दिखाऊं कि वो मेरा एक दिन भी कैसा जाता था और आपको मोटिवेशन मिले और पता भी चले कि आपको क्या खाना चाहिए फैट लॉस में। सो स्टार्ट करेंगे हम अर्ली मॉर्निंग से। सबसे पहले जो चीज जो मैं सुबह उठते ही पीती थी, जिसे हम कह सकते देसी नुस्खा, वो है ग्रीन टी और 2 ये लहसुन की स्लाइस। इसे मैं चबा के खाऊंगी और साथ में मैं पीऊंगी ग्रीन टी। ये हम कहेंगे देसी नुस्खा, जैसे हम कहते हैं ना कि नींबू पानी पीना चाहिए और ग्रीन टी पीना चाहिए और शहद पीना चाहिए। सिर्फ इस पे डिपेंड मत हुआ करो, क्योंकि लोग कहते हैं कि इसको पीने से हम पतले होते हैं, ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ पूरी डाइट होती है जो आपको आगे आगे वीडियो में देखेगी। तो सबसे पहले सुबह उठते ही क्या लेना है, 2 लहसुन की स्लाइस और साथ में ग्रीन टी, तो खा के चबा के खाना है ऐसे। इसके बाद ब्रश कर लेना, क्योंकि लहसुन है, स्मेल आएगी मुंह से। ब्रश करने से पहले ही आपको ये ग्रीन टी और 2 लहसुन की स्लाइस खानी है। ब्रेकफास्ट का टाइम है और हमारी पप्पी देखो आराम से सो रही है। ओए, सो रही है, इसको नींद आती है बहुत ज्यादा। देखो सत्यानाश, मेरी वीडियो बन रही है ट्रांसफॉर्म के ऊपर और तुम मैडम क्या खा रहे हो? आइसक्रीम, मेरी फेवरेट सुबह सुबह। देखो गाइस, अब मुझे मत बोलना कि आप घर वालों को पतले क्यों नहीं करते, क्योंकि मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ, लेकिन ये लोग को आइसक्रीम, मोमोज, गोलगप्पा। ये है मेरे दिन का पहला मील, जिसमें मैंने लिए एग व्हाइट, हाफ फ्राई एंड ब्रेड। देखो मैंने अपने कैलोरीज के अकॉर्डिंग पूरे दिन में जितनी भी कैलोरीज लेनी है उसमें फर्स्ट जो मेरा ब्रेकफास्ट है उसमें मैंने इतना ही ऐड किया है मील, जिसमें मैंने एक ही ब्रेड ऐड करी है। आप अपनी कैलोरीज के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो। सो इसमें 2 एग व्हाइट ऑमलेट हो गया, हाफ फ्राई। इसमें योक से मुझे फैट मिल जाएगा, व्हाइट से मुझे प्रोटीन मिल जाएगा और ब्रेड से मुझे कार्ब्स मिल जाएंगे। साथ में टेस्ट के लिए मैंने केचप ली है, तो ये मैं खाने वाली हूँ। टाइम फॉर अ प्री वर्कआउट मील, जो मैं हमेशा जिम जाने से पहले लेती भी आई हूँ, और वो है 50 ग्राम मूसली मैंने इसमें ऐड करी है। और इसे मैं बनाऊंगी अपना एक प्रॉपर प्री वर्कआउट मील। मैं कैसे बनाती हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा प्रोटीन डालती हूँ, जो कि करीबन 1/3 प्रोटीन होता है, इतना सा मैं प्रोटीन लेती हूँ। और ये मैं मूसली में ऐड करती हूँ और साथ में मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी, जिससे ये थोड़ा सा ये टेस्टी हो जाता है। मैं इसे मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे, और ये मेरा हो जाएगा प्री वर्कआउट मील। और आपने देख लिया कि मैं कौन सा प्रोटीन लेती हूँ, ये है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑन का मैं प्रोटीन लेती हूँ, जिस ब्रांड को मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। एंड इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो है वे प्रोटीन आइसोलेट, जो WPI है एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन होता है। एंड इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये फास्ट एब्जॉर्बिंग है, जो कि आपको जल्दी डाइजेस्ट होता है एंड जिससे क्या आपको बेनिफिट मिलता है, बेटर रिकवरी होती है। तो जल्दी से मैं अपना ये प्री वर्कआउट मील लूंगी और उसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी सिनेमैटिक मोड में अपना वर्कआउट दिखाऊंगी एंड देन फिर हम आएंगे पोस्ट वर्कआउट मील। वक्त आ गया है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील का, जो कि रेडी है सामने। मैडम मेरे लिए लेके आई है, क्या लेके आए हो मेरे लिए बताओ? अरे बनाया कैसे बता दो जल्दी से, बनाया कैसे है? सब्जी उबाल के। अच्छा, और कितनी उबाली है? 2-3 सब्जी इसमें मिक्स किया है, उसको उबाला है। अच्छा, और क्या है इसमें? इसमें फिर चावल है, हाँ, ब्राउन राइस है और फिर ग्रीन चटनी है और
और चिकन है? चिकन है। हाँ चलो जाओ, तुम बस बोल लिया, तुमने बोल लिया। तो मैं, ये मेरी मील है जिसमें मैंने 100 ग्राम चिकन लिया है और 100 ग्राम राइस है और वेजीज है 50 ग्राम और इसमें सारे प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट आ चुके हैं। तो ये मेरी पोस्ट वर्कआउट मील है जो कि मैं वर्कआउट के बाद लेती हूँ। मेरा कुत्ता आ गया तो मैं इसे खाऊंगी, ये मेरा खाना मांगने आई है। नेक्स्ट मील खाने से पहले हम ये खाएंगे घास फूस जिसमें पालक है, खीरा है एंड गाजर है। ये अपने मील लेने से पहले मैं ये सैलेड लेती हूँ रात में, जो कि मेरी ये है सेकेंड लास्ट मील जिसमें मैं ये ले रही हूँ सैलेड जो आपने देखा है। ये पालक धो के अच्छे से और हम इसे ऐसे खाते हैं। कुछ नहीं होता, टेस्ट वेस्ट सब अच्छा होता है, ये खाइए। और खाने से मैं सजेस्ट करूँगी आधे घंटे पहले एक फुल प्लेट ऐसे सैलेड की खा लीजिए ताकि आपके आधा पेट भर जाए और आप जो खाना खाओगे उसमें आपकी कम कैलोरीज इंटेक रहे। मतलब अगर आप दो रोटी खाते हो तो आप एक रोटी खाओ क्योंकि आपने पहले ही सैलेड खा के पेट भर लिया है। तो इसके बाद मेरा मील है जो कि मैं हाफ एन आवर बाद लूंगी। अभी हम खाएंगे सैलेड। अभी आधे घंटे पहले आपने देखा कि मैंने सैलेड खाया था, अब आधा घंटा हो चुका है तो मैं खा रही हूँ बॉइल्ड एग जो पूरा प्रॉपर व्हाइट एग है एंड 5 मैं एग व्हाइट खा रही हूँ जो मैं खाया करती थी बॉइल्ड एग। आई नो कि सबको पसंद नहीं होते, तो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ऑमलेट भी बना सकते हो एग व्हाइट का, 5 एग व्हाइट का, बाकी आप अपनी कैलरीज के अकॉर्डिंग 4, 3, 6, 8 जितने मर्जी लेने ले लो। हम खाएंगे अंडे, पसंद नहीं है पर खाने पड़ते हैं क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खाना पड़ता है। अच्छा वेज हो नॉन वेज हो क्या हो कमेंट कर दो, अगर आप वेज हो तो मैं वेज वाला भी प्लान लेके आऊँ आपके लिए। सॉरी खाते बोलना नहीं चाहिए। सो गाइस ये है मेरा लास्ट मील, रात के 11 बजे और मेरी लास्ट मील है और मैं इसमें ले रही हूँ वेजीज एंड बॉयल्ड चिकन। मैंने इसमें कार्ब्स हटा दिए हैं और साथ में वही चटनी जो शाम को मैंने ली थी ना पोस्ट वर्कआउट, सेम होती है, बस उसमें चावल होते हैं, राइस होते हैं, ब्राउन राइस, इसमें ब्राउन राइस नहीं है। सो ये मेरी प्रॉपर मील हो गई। इसके अलावा अब जो लास्ट बिफोर बेड मील आएगी वो रहेगी मेरी थोड़ी लेट, थोड़ा मेरा इसकी रूटीन ऐसा है तो मैं लेट सोती हूँ, वो मैं बिफोर बेड लूंगी अपना एक ग्लास मिल्क और 5 बादाम विदाउट शुगर मैं मिल्क लूंगी। हो गई मेरे पूरे दिन की रूटीन जो कि मैं लेती थी। और उसके अलावा सारा दिन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिन में रोज 4 लीटर पानी पीना है। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म। आई होप इसे आपको व्लॉग देखने में कुछ सीखने को मिला हो, मज़ा आया हो और पसंद आया हो, और पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए, लाइक के साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और उसी के साथ नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको हर मेरी जो वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा और शेयर करिए और मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। आई एम केवी, थैंक यू, बाय बाय।